ओरियो बिस्किट किसको अच्छे नहीं लगते हैं? आई थिंक सबको ओरियो बिस्किट का टेस्ट तो अच्छा ही लगता है। तो आज उसका टेस्ट और बढ़ाते हैं और ओरियो बिस्किट से कुछ न्यू बनाते हैं। तो आइसक्रीम तो शायद सबने बनाई होगी, तो आज हम कुछ डिफरेंट करेंगे और बनाएंगे ओरियो चॉकलेट बार। तो इसके लिए मैंने ले लिए हैं 200 रुपए वाले 2 ओरियो के पैकेट और उसको मैंने क्रश कर लिया है। और अब एक पैन लिया है और उसके अंदर मैंने ऐड किया है 1/2 कप मिल्क पाउडर और 1 कप दूध और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि लम्ब ना रहे। और अब उसके अंदर ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच शुगर और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब उसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे 1 उबाल आने तक हमें पकाना है और उसको कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे ताकि नीचे से चिपके नहीं और जले नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 उबाल आ गया है और उसको अब ठंडा करके फ्रीजर में थोड़ी देर के लिए हम उसको सेट करने के लिए रख देंगे। हमें उससे 10 से 15 मिनट या फिर आधा घंटे के लिए सेट करने के लिए रख देना है। और अब मैंने ले लिया है 1 बोल जिसको मैंने पहले ही फ्रीजर में ठंडा करने के लिए रख दिया था। और अब उसके अंदर ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम। यहाँ पे मैंने फ्रेश क्रीम का पूरा टिन आता है जो छोटा सा, वो पूरा ले लिया है। और अब ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। यहाँ पे मैंने कंडेंस मिल्क 1/2 टिन जितना लिया है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो मिक्सचर हमने बनाया था मिल्क पाउडर और दूध का, जिसको हमने फ्रीजर में सेट करने के लिए रखा था, उसको हम ले लेंगे। वो थोड़ा सा सेट हो गया था और ठंडा भी अच्छे से हो गया था, तो उसको ऐड करना है। और ये बीटर की हेल्प से हम उसको अच्छे से फेंट लेंगे। 4 से 5 मिनट फेंटने के बाद उसके अंदर हम ऐड करेंगे ओरियो बिस्किट जो हमने क्रश किए थे। और अब एक बार फिर से हमें उसको 1-2 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेना है। तो ये देखिए हमारा मिक्सचर एकदम रेडी है। तो अब हमें चाहिए 1 मोल्ड जिसके अंदर हम इसको सेट कर सकें। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है सिलिकॉन मोल्ड। अगर आपके पास सिलिकॉन मोल्ड नहीं है तो आप कोई सा भी मोल्ड ले सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो, कुल्फी का मोल्ड या फिर पॉप्सिकल का मोल्ड हो तो भी चलेगा। तो अब जो मिक्सचर हमने बनाया था वो मोल्ड के अंदर भर देना है और एक एक स्टिक लगा देना है। और अब फ्रीजर में उसको सेट करने के लिए रख देंगे। 4 से 5 घंटे लगेंगे उसको सेट होने के लिए। और अब मैंने ले लिया है यहाँ पे चॉकलेट कंपाउंड और इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और अब उसको एक बोल में निकाल लेंगे। ये चॉकलेट को हमें मेल्ट करना है, तो आप ओवन या फिर डबल बॉयलर की हेल्प से उसको मेल्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं डबल बॉयलर मेथड यूज करने वाली हूँ। इस मेथड से अगर आप चॉकलेट को मेल्ट कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे पानी हमें थोड़ा ही लेना है और एकदम लो फ्लेम पे उसको गर्म करना है। और इतना ध्यान रखना है कि जिस बर्तन में हमने चॉकलेट लिया है उस बर्तन से पानी नीचे रहे, उस बर्तन में पानी टच नहीं होना चाहिए वरना आपकी चॉकलेट खराब हो सकती है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे जो बार हमने सेट होने के लिए रख दिए थे वो अच्छे से सेट हो चुके हैं। तो अब उसको हम एक एक करके निकाल लेंगे। और यहाँ पे हमारी चॉकलेट भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो अब ये चॉकलेट से हम बार पे कोटिंग करेंगे। तो हमें ले लेना है 1 बार और अब इस बार को हम चॉकलेट से अच्छे से कोट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक ओरियो चॉकलेट बार रेडी हो चुका है। इसको मैं थोड़े से चॉकलेट स्प्रिंकल से गार्निश कर लूंगी तो देखने में बढ़िया लगे। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट और मार्केट जैसा लग रहा है ना। तो एक एक करके हमें सब बार को चॉकलेट से कोट कर लेना है और हमारी पसंद की टॉपिंग से उसे गार्निश कर लेंगे। हमारा दूसरा बार भी रेडी है, इसको मैं पिस्ता से गार्निश करूंगी। और अब ऐसे ही हम सारे बार बना लेंगे, अपनी मनपसंद की टॉपिंग से उसे गार्निश कर लेंगे। ये वाला मैंने सिंपल ही रखा है प्लेन। तो ये देखिए हमारे सारे बार रेडी है। यहाँ पे मैंने 2 प्लेन बनाए हैं और 2 गार्निशिंग वाले। टेस्ट में बहुत ही अच्छा लगते हैं, एक बार आप घर पे जरूर ट्राई करिएगा। अंदर से ओरियो का टेस्ट और बाहर से चॉकलेट का टेस्ट बहुत ही अमेजिंग लगता है। तो आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्ण।